So hello and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are absolutely fine. So today I'm going to make a painting of Monina Mustafa. Why I'm doing this? Because I am fell in love with him after watching this video. आया ना तू बट यार मेरा दिल आ चुका है उनपे. So मैं सोचा एक पेंटिंग तो बनती है. So without any further ado, let's start the art. So, welcome to the new show everyone. और इस शो का नाम है आर्ट की बात और इसमें अपन करते हैं अपने दिल की बात, इन शॉर्ट अपने हार्ट की बात. सो आज की बात में हम बात करेंगे क्रश के बारे में. तो क्रश बहुत टाइप के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ. सो पहले टाइप का क्रश तो वो होता है जो आप टीवी में देख लेते हो या कहीं मूवीज़ में देख लेते हो और उसको हम कहते हैं टीवी क्रश. एंड सेकेंड टाइप का क्रश वो होता है जो आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में होता हो. आई होप यू कैन रिलेट विथ मी. एंड तीसरे टाइप का क्रश वो होता है जो आपके घर के आसपास रहता हो या फिर आपके स्कूल बस में आता जाता हो. सो मैं आपको अपने क्रश के बारे में बताता हूँ. तो अपना वाला क्रश है टीवी वाला क्रश. सो टीवी वाला क्रश कौन है? जिसकी आप अभी स्केच बनाते हुए देख रहे हैं वही अपना क्रश है. और क्रश का नाम है मोनिना मुस्तफान. सो हियर इज़ द स्टोरी हाउ मोनिया बिकम माई क्रश. सो वन डे आई वॉचिंग अ वीडियो, म्यूजिक वीडियो आया ना तू, देन आई फाइंड मोनिना एंड ओ माई गॉड द क्यूटनेस ऑफ मोनिना. जब मैंने उनको देखा तब हिल गए, सर्टिफिकेट हिल गए भाई, दिल के दिमाग के सभी के. देन आई डिसाइड कि भाई एक वीडियो तो बनाना बनता है, मतलब स्केच बनता है और उसको अपलोड करना भी बनता है यूट्यूब पे बाबा. और अभी अपलोड कर दिया है और इस वीडियो को बनाने में मेरे को कम से कम 8-10 घंटे लगे हैं. सो मेहनत बहुत की है यार, प्लीज़ शेयर करना और इतना शेयर कर देना कि ये वाला वीडियो मोनिना तक पहुंच जाए. प्लीज़ यार कर दो यार, इतना कर दो. और इस वीडियो को हम टारगेट देते हैं 100 लाइक का. उत्तर तो यार आप आराम से दे दोगे, प्लीज़ दे दो और इस वीडियो को यार मोनिना तक पहुँचा दो यार. ये दिल से इच्छा यार, प्लीज़ कर दो प्लीज़. So thank you so much for watching this video guys. If you like this video don't forget to give this video a like. अगर नए हो तो subscribe कर दो, अगर पुराने तो share कर दो. And I'll see you in the next one.